प्रार्थना सबने सुनी होगी, कितनी शक्ति मुझे देना दाता। आती है, सब लोग साथ देंगे, ठीक है। एक लाइन मैं कहूंगा, उसको रिपीट करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले, दो दिवस का सत्र रहेगा, एक दिन टेक्निकल का रहेगा और फर्स्ट डे जो हमारा रहेगा वो आपका बेसिक पंचायती राज के जो भी रूल्स रेगुलेशन और सोनभद्र में मैं महिपाल लकड़ा, ईडीओ पंचायत विकास खंड कोन सोनभद्र। मैं सुधाकर राम, एडीओ पंचायत विकास खंड चतरा जनपद सोनभद्र। धन्यवाद सभी को। मैं राजेश कुमार सिंह, एडिशनल डीपीआरओ सोनभद्र। आप सभी हमारे जिले से हैं, बहुत बहुत बधाई आपको आगे का कार्यक्रम। सोनभद्र से है, सोनभद्र काफ़ी दूर है, निश्चित रूप से आपको आने में कुछ यहाँ सिस्टमेटिक है। अब आपको दो दिन रहना है यहाँ, आज पूरे दिन रहना। चलिए भाई परिचय हो जाए, ठीक है। अपना नाम बताया था। मेरा नाम सुधांशु शेखर त्रिपाठी है और मेरी शैक्षिक योग्यता बीटेक है और ग्राम पंचायत रोरवा ब्लॉक कोन। मेरा नाम आशीष कुमार है, ग्राम पंचायत रामगढ़ विकास खंड कोन, शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन चल रहा है। मेरा नाम बलवंत कुमार यादव है, हमारी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा है, ग्राम पंचायत नौडिया से है और विकास खंड कोन से। मेरा नाम है रोशनी देवी और मेरे ग्राम है ना, शंकाएं रहती है दिमाग में, हमारी भी रहती थी जब हम यहाँ आए थे, पता नहीं कैसा डिस्ट्रिक्ट होगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। आज मुझे 15-16 दिन हो गए हैं यहाँ पर आपके ब्लॉक में ट्रेनिंग देते हुए, तो ये शंकाएं होती हैं कि जन्म देती है हमें प्रश्न का, किसका जन्म देती है? प्रश्न करने का, किसका देती है? है ना, अगर उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या कहोगे? निराश हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि जिस पर्पज से गए थे वो पर्पज हमारा हल नहीं हुआ, क्यों भाई? तो आप उसी गांव के रहने वाले हैं, मदद करेंगे लोगों की। तो सरकार ने यह महसूस किया कि हम सचिव के सहायक के रूप में, पंचायत के सहायक के रूप में, प्रधान के सहायक के रूप में एक पंचायत सहायक की तैनाती कर दें जो ग्राम पंचायत के कार्यालय में बैठेंगे नियमित रूप से और गांव का व्यक्ति, लाभार्थी, गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय, विकलांग, जिसको भी जिस तरह की भी जरूरत होगी जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकार के द्वारा पूरी की जाती है, उसके लिए वह सीधे अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाके अपनी बात आपसे कह सके। और शासन के मंशा के अनुसार सरकार की जितनी स्कीम है, योजनाएं जनहित के लिए, ग्राम के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए, जितनी भी योजनाएं चला रही है सरकार, उसको संबंधित व्यक्ति तक तत्काल पहुंचाने में मदद हो सके। अब सचिव साहब एक, तो सचिव साहब के अकेले होने से, 5-6-7 ग्राम पंचायतें होने से आपके गांव के व्यक्ति की समस्या तत्काल वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। सचिव को खोजने के लिए, आप अपनी बात कहने के लिए आपके गांव के गरीब व्यक्ति को सचिव को खोजने के लिए कहां जाना पड़ता था? ब्लॉक पे जाना पड़ता था।
अगर ब्लॉक पे चला गया वो आदमी, सचिव साहब को अधिकारियों ने भेज दिया किसी और गांव में, तो पता चले कि आपके गांव का आदमी सचिव साहब से मिलने ब्लॉक गया है, और सचिव साहब ब्लॉक से आपके गांव में चले आए, किसी अन्य गांव में चले गए, और फिर उसने फ़ोन किया बताया कि मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, पता चले काम सचिव साहब का 4 घंटे वहीं लग गया, अब आपके गांव के आदमी का दिन भर वहीं काम, समय बर्बाद हो गया। तो ब्लॉक तक जाने में उसका भाड़ा किराया लगा, दिन भर वहाँ बैठ गया, उसका समय बर्बाद हुआ, तो भाड़ा किराए में पैसे बर्बाद हुए, समय में बर्बादी हुआ, और फिर भाड़ा किराया लगा के आया वो बर्बाद हुआ। और अगर गांव में कार्यालय खुल गया, जब अब आप आ गए तो अपनी बात कहने के लिए वो सुबह शाम में 10 से 5 के बीच कभी भी आपको खोज के मिल लेगा। खोज के क्या मिल लेगा, 2-3 घंटे तो आप कम से कम अपने ऑफिस में दिन में रहेंगे, उसके बाद फील्ड विजिट करेंगे, फील्ड विजिट करने के बाद फिर आके अपने कार्यालय में बैठ जाएंगे। तो 10 से 5 के अंदर जब उसकी इच्छा होगी, जब उसको समय मिलेगा, अपने काम से फुर्सत होगा, कहेगा चल चले जरा पंचायत सहायक साहब से मिल लें ऑफिस, चल चलते हैं अपने गांव के ऑफिस में, वो आपके कार्यालय में आ जाएगा, किसी भी गाँव के कोने का होगा, 10-15 मिनट 15 मिनट में आपके यहाँ आ जाएगा, अपनी बात कहेगा, अप्लीकेशन देगा, आपसे कुछ आश्वासन चाहेगा, आप उसको कुछ बताएंगे उसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके बाद लौट के फिर अपने काम पे चला जाएगा। प्रणाम देता हूँ, 73वां संविधान संशोधन क्या है इस पर हम लोगों की समितियाँ क्या हैं, साथ ही पंचायत भवन की उपयोगिता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें आपकी क्या भूमिका है, सर के द्वारा बताया गया था, ये चर्चा चल रही थी, इस बीच में आपका आगमन हुआ, आपका स्वागत है सर। अनुरोध चाहूँगा कि आप इन बच्चों को अपने स्तर से आशीर्वचन दें, और जरूरदार तालियां मैं सर से अनुरोध करूंगा। लोग जो है इधर से जरा आएंगे। मैं भद्र से हूँ, 2020 में इंटर पास किया हूँ, BA सेकेंड ईयर चल रही है। अच्छा अच्छा जी सर, अभी आज की तारीख में बिना कंप्यूटर के आप मान के चलो कि साक्षर नहीं है, ऐसा माहौल है। अगर कंप्यूटर आप नहीं जानते तो आपको ये समझ लीजिए अपने को कि हम जो है निरक्षर वाली श्रेणी में है, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी बिना उसके आजकल कोई काम ही नहीं होता। अपना मोबाइल भी आप चलाते हो, वो भी ठीक से आप तभी चलाओगे जब आपको कंप्यूटर का हल्का फुल्का आइडिया रहेगा, तो उतना ही अच्छे तरीके से चलाओगे, या मोबाइल भी सीखते सीखते आप कंप्यूटर के भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो इंटरनेट भी रहेगा तो आपको तमाम चीज़ें उसमें अपलोड करनी होंगी, जानकारी देनी होगी, जानकारी निकालनी होगी, लोगों को बताना होगा, थोड़ा बहुत और भी काम करना होगा, तो आपको छोटी मोटी जानकारियां आपको मिल जाएं, इसके लिए कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन का आप लोग कोर्स रेगुलर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? ज्वाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो लोग इन्होंने सीखा नहीं है, जो सीखे हुए हैं वो अगर इम्प्रूवमेंट के लिए करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज अगर उनको कॉन्फिडेंस है तो कोई बात नहीं। तो हमें जो भी ये डेटा लाभार्थियों का है हमें कंप्यूटर पे लोड करना है, तो आप टाइप करना जानोगे तभी तो लोड कर पाओगे, या अगर वेबसाइट पे कहीं फीड करना होगा तो तभी फीड कर पाओगे जब आप टाइप करना जानोगे। तो ये भी आपके जॉब चार्ट में है, ये कोई ऑप्शनल नहीं। इसके बाद GPDP के बारे में हमने बता दिया, GPDP एक बार बन जाएगी तो उससे संबंधित डेटा उसमें डालना होता है, वो भी आप डालोगे, तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मैसेज जाएगा कि ये सूची मेल कर दो या ये बता दो ये जानकारी दे दो, तो वो जब आप टाइप और कंप्यूटर से फ्रेंडली होगे तभी आप कर पाओगे, वो आपको जानना ही पड़ेगा उसको। इसके बाद जो मेन बात आती है वो है, यहाँ एक पॉइंट और भी है कि अगर गांव का कोई लड़का हो, कोई आदमी हो जिसका मान लो ऑनलाइन अप्लाई करना हो, सुविधा नहीं मिल पा रही हो CSC पे जाने का, CSC की तरह तो एक बार आपको काम करना ही है लगभग, जो उसमें शुल्क वगैरह का प्रोविजन होगा ये लोग बताएंगे, लेने का जो भी सिस्टम होगा वो आपको पता लग सकता है, फॉर्म किसी महिला का भरना है तो आप उनको हेल्प करेंगे कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ये आपके जॉब ड्यूटी में आप करना है। इसके बाद जो सबसे बड़े जो आपके दो फील्ड और हैं जिसमें कि आपको काम करना है वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में थोड़ा बहुत काम आप लोग पहले से कर रहे होंगे, और थोड़ा बहुत मतलब इसलिए कर रहे होंगे कि रेडियो साहबान से कहा गया था कि आप लोगों की मदद ले लें ताकि आपको थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाएगा और सरकारी काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो अब तो 1 दिसंबर से तो आपकी सैलरी अगर जैसा कि हम लोगों को बताया गया अगर चलेगी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अभी लिखा पड़ी में आप बताओ भाई आपके यहाँ क्यों नहीं है शौचालय? आपका शौचालय क्यों नहीं है आपके घर में? हाँ बन रहा है, अच्छा चलिए ठीक है, बन रहा है बन ही जाएगा।
इसमें आपको बताइए किसके यहाँ नहीं है, जो नहीं है उनका क्यों नहीं है बताएं आप। सब अधूरा। अच्छा बन रहा है। अच्छा अच्छा वेरी गुड। आगे आगे जिनका नहीं है, हाँ बताएं आप बताएं। अच्छा आपका नहीं है, आप लोग इस्तेमाल नहीं करते उसमें। अच्छा अच्छा बैठ जाइए ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों का गांव ऐसा होगा जहां की आप लोगों को लगता है कि 90% शौचालय हमारे बने हुए हैं? आपको गांव में घर घर जाके सर्वे करना है कि कौन से मकान में शौचालय अभी भी नहीं बना है। ये आपकी बेसिक जिम्मेदारी है। आज से ठीक एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह वाले दिन आपका सर्वे का रिपोर्ट एडीओ पंचायत के पास आ जाना चाहिए। एक जरा लेटर जारी कर दो उसमें कि जिन जिन एडीओ से कहा गया था उन्हें सर्वे प्राप्त कर लिया हो तो उसकी सूचना दें। तो एक आज से एक सप्ताह के अंदर घर घर जा करके शौचालय बना है नहीं बना है, कोई निशान लगाना हो निशान लगा दिए गेरुए से या किसी और चीज़ से, और पूरे गांव का घर घर सर्वे करना है। ठीक है, आप अपने काम में अगर एक दो बच्चे आपकी सहायता करें तो उनकी सहायता कर ले लो, नहीं तो ये काम आपको करना है क्योंकि ये बेसिक काम है हमारा। और इसमें मानक क्या होगा, एक मकान एक शौचालय। जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमारे बड़े पिताजी क्या हैं, अगर एक मकान में 10 लोग तक फैमिली है तो उसमें एक ही शौचालय अभी हम देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर एक गांव में एक मकान में तीन परिवार रह रहे हैं, तीन बेटे बहू रह रहे हैं लोग और एक पिताजी रह रहे हैं तो चार लोग रह रहे हैं तो चार लोगों को चार शौचालय सरकार दे देगी, ऐसा नहीं है। एक मकान में एक शौचालय का मानक आप मान के चलिए। अगर उसमें 10 परिवार 10 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उसमें आप दूसरा देने का सोच सकते हैं। 10 या 10 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो आप उसको सोच सकते हैं कि यहाँ एक और दे दिया जाए, अन्यथा एक मकान में एक शौचालय हमें देखना है। ठीक है, इसके हिसाब से एक सप्ताह के अंदर घर घर का सर्वे करना है। कितने लोगों ने सर्वे कर लिया है? अभी पहले भी हम लोगों ने निर्देश दिया था, किसी ने सर्वे किया है? एक, वेरी गुड, दो, काफ़ी लोगों ने किया। तो आप लोगों ने सर्वे करके एडीओ पंचायत को दिया है? नहीं, नया का नहीं, पूरा गांव एक एक परिवार मकान का करना है। जिन लोगों ने एक एक मकान का किया है वो बताएं, हाथ उठाएं। एक हर मकान का जाके आपको करना है, इस छोर से शुरू करना है, गली दर गली करते हुए, और आपको पूरा करना है, या मोहल्ला है तो मोहल्लेवार करना है। ये काम आपको एक सप्ताह के अंदर कर लेना। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? हाँ इधर से बताया, कोई डाउट है? जब आप ये सर्वे करोगे तो हाँ वो बाद में बात करेंगे आप। बैठ जाओ बैठ जाओ। पहला जब आप सर्वे करोगे तो आपके सामने दो सिचुएशन और आएंगे। एक तो जिसका नहीं बना है वो तो आपको नोट करना ही है, मुखिया का नाम, उसका मोबाइल नंबर, और उसके साथ उसका आधार कार्ड और उसकी पासबुक की फोटो कापी लेनी है या अपने फोन से फोटो लिखना है। ठीक है, क्या चाहिए हमको? दो चीजें, आधार कार्ड और अगर मान लो तत्काल नहीं मिल पाता है तो आप उसकी जगह छोड़ के उसका बाद में आप उसको मैनेज करोगे मंगाना होगा, बट सर्वे आपको पूरा करना है। लेकिन जब आप सर्वे करोगे तो एक सिचुएशन ये और आएगी कि जैसे इसमें वो शौचालय या तो सरकार से पैसा तो मिला है परंतु आधा अधूरा बना है, या ऐसा भी हो सकता है सरकार का पैसा लाभार्थी खा गया हो और ना मिला ना बना। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन को आपको एक अलग सूची में रिकॉर्ड करना है। ये इनका नाम, ये मोहन पुत्र श्याम है, लेकिन इनको सरकार से पैसा मिला था 12,000 रुपये या 6,000 मिला, जो मिला हो वो आपको नोट करना है और उसके बगल में लिखना है कि ये अपूर्ण है, गिर गया है, या जो भी बना ही नहीं है, जो भी स्थिति है इसकी आपको एक सूची बनानी है। ठीक है, तो जब आप मेन सर्वे करोगे तो ये दूसरी सूची भी बन मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? मतलब जिनको पैसा सरकार से मिला था लेकिन उनका किसी कारणवश गिर गया है या कोई चीज़ क्षतिग्रस्त हो गई है, कोई चीज़ टूट गई है, गड्ढा फट गया है, गिर गया है, तो ये आपको लिखना है, या बना ही नहीं है, अपूर्ण है, आधा बना के छोड़ दिया है, ये सारा डेटा आपके पास आएगा। ठीक है, करने में कोई दिक्कत होगी आपको इसको? तो ये दूसरा काम है आपको।
तीसरा काम यह है कि गांव के सबसे खराब 10 शौचालयों जो बने हैं सरकारी अनुदान से, उसकी सूची बनानी है जो सबसे खराब स्थिति में है, उनको बना के आपको लिस्ट वो भी देनी है आपको 10। उसमें सरकार का प्रोविजन है, उसमें 2-4-5 सौ हजार रुपये लगा के गांव सभा उसको ठीक कराएगी, ऐसा प्रोविजन है। तो 10-10 का उसमें आपको सूची देनी है जो सबसे खराब हो। उसमें ये नहीं देखना है कि हमारे बगल में है, हमारे रिश्तेदार का है, दे, ऐसा नहीं। जो सबसे 10 खराब हो वो देना है। हो सकता है 15-20 भी खराब हो तो आपको 10 उसमें से छांट के देना है, ठीक है। चौथा आपको ये देखना है कि आपको हम लोग 2-2 क्विंटल चूना जो है प्रधान जी से दिलवाएंगे, तो 50 ऐसे लाभार्थी, 1-1 क्विंटल 50 ऐसे लाभार्थी को ढूंढना है जिनको कि हम 2-2 किलो चूना दे दें तो अपनी वो शौचालयों की पुताई कर लें। वो ऐसे लोग होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको 50-50 हर गांव में लोगों का नाम छांट करके रखना है, और जब आपको जैसे ही चूना मिले एडीओ पंचायत को बताना है। एडीओ पंचायत आपको प्रधान जी से कह के आपको 1 क्विंटल चूना अरेंज कराएंगे प्रधान सेक्रेटरी से, और वो उससे आपको जो है 2-2 किलो चूना बांट के उन लोगों से पुताई करानी है, ठीक है। उसका गांव का हमारा लुक जो है चेंज, क्योंकि गांव वाले लोगों को अभी इतना उससे लगाव नहीं है कि वो उसकी देखभाल अपने तरह से प्रॉपर अपने जैसे घर की करते हैं वैसे करें। अभी उनको भी लगता है कि सरकार ने बनवाया, सरकार फिर बनवा देगी। जैसे हमारे साथी कोई पूछ रहे हैं, पूछने का उनका मंशा शायद यही था कि अब टूट रहा है तो सरकार फिर 10,000 रुपये दे और उनको बनवाए। कितनी बार बनवाना चाहिए सरकार को? तो ये सोच जो है थोड़ा सा इसको हटाना है, और हटा करके और अपने इसी हिसाब से जो सरकारी नीतियां हैं या सोच है उसी के हिसाब से काम करना है। सरकार किसी को पैसा देती है तो पैसा कहाँ से आता है? जनता से। जो टैक्स भरते हैं उन लोगों से लिया जाता है, आपसे भी लिया जाता है, आपको पता नहीं चलता, सामान को कुछ लिया जाता है, और कुछ जो लोग टैक्स डायरेक्ट भरते हैं उन लोगों से टैक्स जाता ही जाता है। तो ऐसा नहीं कि सरकार खाली नोट छाप के आपको कोई सामान देती है, वो कहीं ना कहीं टैक्स से पैसा आता है तभी सरकार उसी में से देती है। तो ये सरकार की नीति है इसमें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो ये है कि आपको जो भी लाभार्थी हैं उसमें हम लोग की पहले निगरानी समितियां सक्रिय थी, स्वच्छाग्रही सक्रिय थे, उन लोगों से सहायता लेनी है और लोगों से मोटिवेट करना है। महिलाओं की नुक्कड़ बैठक करनी है जगह जगह जाके, आदमियों की बैठक करनी है और उनको शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है। सुबह 4-5 बजे उठ करके जब ये ODF हो रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि टीमें काम करती थी, बहुत जगह अधिकारी खुद जाते थे, DM साहबान जाते थे, कमिश्नर साहबान जाते थे, हम लोग भी जाते थे सुबह 4 बजे गाँव में हम लोग रहते थे। जब ODF हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये अभियान चलाया था, तो वो जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे है। हम लोग 70-80% तक सफल हो चुके हैं, 10-20% जो लोग बचे रहेंगे उनको आपको ठीक करना है, उनको समझाना बुझाना है। बाकी जो इसमें स्वच्छता वाला सेशन कब है भाई? इसमें स्वच्छता वाला सेशन लंच के बाद है, तुम बोलोगे ना, बोलेंगे आपको और बताएंगे ये समझाएंगे इसमें। तो इसमें आपको मोटिवेट करना है जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, या जो लोग अपनी पुताई नहीं करा रहे हैं, या जो लोग अपनी रख रखाव नहीं कर रहे हैं, साफ नहीं रख रहे हैं, उनको मोटिवेट करना है कि एक एक ब्रश रखें ताकि साफ कर सकें, ब्रश साफ करने के लिए कुछ केमिकल रखें। ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करनी है, ठीक है ना। ये आपके ड्यूटी का पार्ट है, ये आपके जॉब का पार्ट है ये। इसके बाद एक चीज़ और है, जो गाँव में जैसे मल का तो हम लोगों ने काम कर लिया, लेकिन जो नाली का कचरा है, गोबर है और पत्तियां हैं तरह के और कूड़े हैं, प्लास्टिक है, इनका क्या करना है, इसके लिए भी हमारा अब सबसे जो काम चल रहा है आज की तारीख में वही मेन काम चल रहा है, उसको कहते हैं सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके लिए बताएंगे, ये कंसल्टेंट है हमारे सोनभद्र से, ये आप लोग बताएंगे डिटेल में कि इसको किस तरीके से आप लोगों को इसमें उपचार करना है, क्या चीज़ें इसमें करनी है। इसके लिए केवल मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपको 2-3 जगहें चयन करनी है जहाँ पे कि हमारा कंपोस्ट पिट बन सके। कंपोस्ट पिट का नाम सुने हैं आप लोग? कंपोस्ट पिट बन सके और इसी तरीके से सोख्ता गड्ढा बन सके। अभी जो हमारा अभियान चल रहा है हर गांव पंचायत में 5 सामुदायिक सोख्ता गड्ढा और 10 जो है इंडिविजुअल सोख्ता गड्ढा बनना है, उसके बारे में भी ये बताएंगे। तो उन सब जगहों का चयन करना है आपको कि कहाँ कहाँ जल जमाव होता है वहाँ पर हमको सामुदायिक गड्ढा बनाना है, सामुदायिक सोख पिट, और इसी तरह से कंपोस्ट पिट बनाया जाए, उसके बारे में ये डिटेल से बताएंगे आपको। तो वो इसके लिए आपको करना क्या है, अपनी पूरी ग्राम पंचायत का एक चार्ट पे नक्शा बनाना है,
चार्ट पर नक्शा बनाना है गांव का, जब आप भ्रमण करेंगे तभी बना पाएंगे। तो उसमें कौन कौन रास्ते हैं, गलियां हैं, कहां स्कूल है, कहां कुआं है, कहां पंचायत भवन है, कहां आपका घर है, ये सारी चीज़ें आपको बनानी है एक नक्शे पर। बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? जो सिविल इंजीनियर वाले हमारे साथी हैं लोग, वो बताएं बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ आप बताइए, आप बना लेंगे? तो आप बना के कब हम लोगों को व्हाट्सएप करेंगे? कितना समय लगेगा? एक हफ्ते, 10 दिन? दो तीन दिन लगेगा। ठीक है, तो आज आप 25 तारीख तक आप जो है हमारे, कौन मंगाएगा? तो मंगा लोगे? हाँ उनका देख लो, गांव वगैरह नोट कर लो उनका। एक और सिविल इंजीनियर हैं, बैठ जाइए। कौन है सिविल, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर कौन है? हाँ तुम मना लोगे? ये बना के देंगे, नोट करो इन दोनों का नाम। ये 25 तारीख तक आप लोग बना करके, पहले आप रफ बनाओगे फिर उसको फेयर करोगे। उसमें ध्यान क्या देना है, बाकी लोग भी बना लेंगे, ऐसा कोई कठिन नहीं है बहुत। हमको ऐसा कोई नक्शा नहीं बनाना है जैसे भारत का नक्शा जैसे उसमें किताब में बना रहता है। हमें लगभग आइडिया एक बन जाए ताकि कोई आपका नक्शा देखे तो जान सके कि कितनी गलियां हैं, किधर से जाना पड़ता है। अच्छा इसमें दिशा क्या रहती है? नॉर्थ किधर रहता है? ये लोग नहीं बोल रहे हैं, ऊपर रहता है। ऐसे नक्शा बनाएंगे कहाँ कहाँ गलियां हैं कहाँ पे। फिर उसके बाद जो एक हमने जो नक्शा बनवाया था किसी से, प्रधान जी ने ही बना के दिया था, सेक्रेटरी ने नहीं बना दिया था, उसमें उन्होंने गांव के एक एक मकान को भी दिखाया था। 2 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर के साइज में उन्होंने गांव का एक एक मकान उन्होंने दिखाया था, एक रेक्टेंगल बना के, आयत बना के, 2 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर कितना होता है कोई बताएगा? 2 मिलीमीटर कितना हुआ आप बताओ पीछे सेकंड? 2 मिलीमीटर कितना होता साइज में? 2 मिलीमीटर कितना बड़ा होगा इसे बताओ? हाँ कोई और बताए? बैठ जाओ, नहीं आप मत बताओ, जो पढ़ा लिखा आदमी इधर बताओ, इंजीनियर वाले बताए। इधर 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 देखो, किसी से पूछो, उन्हीं से पूछो। हाँ कितना होगा? 0.2 सेंटीमीटर। हाँ 0.2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 5वां हिस्सा। बैठ जाइए। तो हमने रेड कर देना, बाकी सबको क्या करना है? हरा करना है। इसी तरह से जहां पे पक्की नाली बनी हुई है तो उसको दो लाइन, दो पतली पतली दो लाइनों से उसको उसमें गली के किनारे जो है दो लाइनें दिखानी है हरे रंग की, यानी वहां पे नाली बनी हुई है। और अगर नाली वहां नहीं बनी है पक्की तो आपको रेड बनाना पड़ेगा, रेड कलर से दो लाइनें दिखाएंगे। अगर ये रास्ता है तो इधर भी पतली दो लाइन, इधर भी पतली दो लाइन रेड कलर से दिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बताइए आप पीछे से। अगर जैसे नालियां नहीं है और वहां जल जमाव होता है, क्या होता है? मान लो कहीं ऐसा पोर्शन है कि यहाँ पे पानी भरा रहता है हमेशा, नाली नहीं है, वहां पे हमें सोखता गड्ढा बनाना है, या नाली का चार्ज वसूलना, जो भी तय किया जाएगा उसका यूजर चार्ज वसूलना, यानी जितने लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे कुछ 100 रुपया 250 जो भी तय हो वो आपको वसूलना, ये भी आपके उसमें जो है शामिल है। गांव सभा की बैठक में भाग लेना, गांव प्रधान के निर्देशानुसार कार्रवाई करना, और जितने भी आपके अभिलेख होंगे उनको ठीक ढंग से वहां पे जो रखेंगे उनको ठीक ढंग से सुरक्षित ढंग से रखना, और अपने कार्यालय को साफ सुथरा रखना, कार्यालय को साफ सुथरा रखना। और वीक में एक दिन 20-30-40-50 लोग, जितने लोग आ जाएं उनसे उनकी तकलीफें पूछना और सरकार की योजनाएं उनका प्रचार करना और बताना उनके लाभों को। ये वीक में एक दिन आपको करना है, और वीक में एक ही दिन कोई डिसाइड करके आपको अपने कार्यालय में और आसपास और गांव में भी कुछ जगहों पे चूने का छिड़काव कराना है सफाई कर्मी की मदद से। ठीक है, आपने कार्यालय की साफ सफाई या उसमें चूना डलवाने की व्यवस्था तो आप अपने प्रयास से करिएगा, अगर सफाई कर्मी नहीं है, अगर है सफाई कर्मी तो आप उसका इस्तेमाल लेके करिएगा। और कभी भी मुआयना हो, आप मान के चलिए अगर कोई अधिकारी आता है तो आपको अपना कार्यालय साफ सुथरा रखना, DM साहब जाएंगे, कमिश्नर साहब जाएंगे, अब हर व्यक्ति गाँव पंचायत के कार्यालय में जरूर जाएगा। अभी तक उसको नहीं जाते थे लोग क्योंकि उनका अनुमान था कि वो बंद रहेगा, कोई बैठा नहीं होगा तो कोई नहीं जाता था,
लेकिन अब जो है सारे अधिकारी वहाँ पे जाएंगे और तमाम चीज़ें आपसे जानकारी भी प्राप्त करेंगे, उसको सक्रिय रख के अपने चीज़ों का संचालन करना, ठीक है। और कोई चीज़ आप लोगों को जो पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, बाकी मेरी बात समाप्त हो गई है। ये लोग अपना आप लोगों को प्रशिक्षण देंगे, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और उतने ही गांव में आप सफल हो सकते हैं और उतना ही आपके गांव का विकास भी होगा, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। इसमें भी जो धनराशि है, ठीक है, वो भी जो आपका जनसंख्या है, किसी को राशि कम मिलेगी, किसी को धनराशि ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें एक क्लॉज और दिया गया है, जो 2011 की जनसंख्या है उसके मानक के अनुसार जिसका जनसंख्या आबादी ज़्यादा है और क्षेत्रफल बड़ा है तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा उस ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, जिसका काम है उसको काम दिया जाएगा। ये नहीं कि कल को कोई भाई उसको इतना दे दिया मुझे इतना दे, उसको बताना पड़ेगा कि इस कारण से आपका इतना पैसा मिला है, क्षेत्रफल और आबादी को पैसा वितरित होगा, ठीक है। ये केंद्र का पैसा था जो हमने आपको बताया, लिखा हुआ है स्वच्छता में किस पर खर्च करना है, खुले में शौच के लिए खर्च करना है, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोस्ट, सॉलिड मालूम जानते हैं, अभी सर आपको बताएंगे स्वच्छता, अब SBM पे आएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, इस पर तरल अपशिष्ट क्या है और ठोस अपशिष्ट क्या है, इस पर बारे में चर्चा आपको विस्तार से भी सर करेंगे, क्योंकि विषय ज़्यादा है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का जो पैसा है वो आप किसी भी मत पे कहीं भी खर्च कर सकते हैं, उसमें टाइड और अनटाइड फंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, केंद्र में की गई है, केंद्र का फंड आता है, इसमें जरूर आपको करा गया 60% और 40%, ठीक है। जो राज्य वित्त आयोग का पैसा है इसको भी तीनों स्तरों पर 15% और 70% जो धनराशि राज्य से आएगी आवश्यक है तो वो कार्य क्या क्या करेंगे। अब ये वर्तमान जो पंचवर्षीय कार्य योजना रहेगी तो पंचवर्षीय कार्य योजना रहेगी, दीर्घकालीन कार्य योजना, समझ रहे हैं, पंचवर्षीय कार्य योजना यानी दीर्घकालीन कार्य योजना और लघुकालीन यानी कि एक वर्ष की कार्य योजना। तो ऐसे कार्य जो 5 वर्ष में किए जाएंगे या फिर 1 वर्ष में कराए जाने हैं तो दीर्घकालीन कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए जो संसाधन है, स्थानीय संसाधनों और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए उनको चिन्हीकरण करना है और अपना ड्राफ्ट प्लान तैयार करते हुए उसको स्वीकृति करानी है। कौन से स्वीकृति कराएंगे, कैसे कराएंगे, सुबह हमने समितियां जानी थी ना जी, तो किसी भी चीज पर डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है, प्रशासनिक समिति है ना, तो ऐसे ही तो उसको प्रशासनिक स्तर पे हम क्या कराएंगे, अनुमोदन कराते हुए स्वीकृत कराएंगे। तो ये हमारी क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजना। फिर एक बार स्टार्ट को पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत शॉर्टकट में हम चल रहे हैं, शेष 9 मिनट सोनभद्र में मिलेंगे, DPRC पर शेष वार्ता होती रहेगी। शॉर्टकट में स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 2014। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था संपूर्ण भारत को खुले से शौच मुक्त करना, एकमात्र उद्देश्य लेकर के चला गया था कि ODF ग्राम पूरे हिंदुस्तान को क्या बनाना है, ODF कब तक, 2 अक्टूबर 2019 तक, कही था ना 5 साल का कार्यक्रम है। भारत आपका ODF कब तक हो गया, ODF आपका ग्राम पंचायत हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, ODF की परिभाषा, परिभाषा फूल फार्म नहीं, फूल फार्म ओपन डेफिकेशन फ्री है परिभाषा, मानव मल का मुख तक संचरण न होना ODF कहलाएगा, जिस ग्राम पंचायत में मानव मल का मुख तक संचरण न हो वो क्या कहलाएगा, ODF ग्राम पंचायत कहलाएगा। मानव मल का मुख तक संचरण नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या विकल्प है, शौचालय का उचित तरीके से निपटान, दूसरा व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ की साबुन से धुलाई, क्योंकि हाथ में तो लगा रहेगा ना,
हाथ में लगा रहेगा तब भी मुंह में जाएगा, तो साबुन से हाथ की धुलाई और मानव मल का उचित निपटान। क्या अगर शौचालय की सुविधा नहीं है तो उसके ऊपर मिट्टी पड़ जाए तुरंत ढक दिया जाए, तो अल्टरनेटिव व्यवस्था है, लेकिन अस्थाई समाधान शौचालय ही है इसका, सबके पास शौचालय की उपलब्धता हो जाए। 19 नवंबर 2019 को पूरा है अपना उत्तर प्रदेश क्या हो गया था, ओडीएफ, उस दिन क्या था विश्व शौचालय दिवस। अब आ गया क्या चीज कि नहीं, 19 से लेके 22 21 दो साल हो गया, हुआ कि नहीं, कुछ कमियां भी रही हैं कि उस समय वेबसाइट पे कुछ लोगों के नाम छूट भी गए थे और ऐसा भी रहा कि नहीं उसके बाद एलओबी एनएलओबी इसमें करके नाम जोड़े गए, बने भी, लोगों के पैसे भी दिए गए, बन भी रहे हैं, आप लोगों से उसके सर्वे कराने के लिए भी बोला गया है, सर्वे भी आप लोगों ने किया है सोनभद्र में जो मेरे पास जानकारी है। लेकिन इसके बाद भी कुछ परिवार बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, बढ़े हैं, कुछ परिवार अलग हुए हैं, कुछ बाहरी आकर के, तो फिर ग्राम पंचायत ओडीएफ कहाँ से रह गया, खुले में तो लोग जा ही रहे हैं, तो उनके लिए अगर शौचालय की सुविधा हो जाएगा तो हमारा ग्राम पंचायत ओडीएफ बना। महत्वपूर्ण लिंक लिखा हुआ है वहाँ पे, ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन अंत्येष्टि स्थल एवं व्यक्तिगत शौचालय हेतु मांग आवेदन, इसको क्लिक करना है आपको। उसको कैसे प्रॉपर वे में करें इसको हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, वैसे आप लोग ग्रुप में सब में हैं, मैंने शेयर भी कर दिया है प्रोसेस दोनों चीज़ का पहले भी, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ग्रे वाटर वो है जैसे कि अभी कुछ जानकारियां दी हैं, ग्रे वाटर को हम नॉर्मली एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको हम बाथरूम में फ्लशिंग टॉयलेट में फ्लशिंग के यूज में ला सकते हैं, गार्डनिंग के यूज में ला सकते हैं, बट ब्लैक वाटर को हम कभी तुरंत रिसाइकिल करके रीयूज नहीं कर सकते, उसका डिस्पोजल और नेचुरल फिल्टर से ही वो फिर से ट्रीट हो सकता है। उनको संपर्क करिए। एक चीज़ और कहूँगा, जो ये किताबें मिली हैं आपको, जब रात को आपको समय मिले तो पढ़िएगा ये किताब, आपके लिए बाद के लिए भी बहुत सहायक है। अब मैं इन्हें सबों के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति को बढ़ाऊँगा।